वहीं पथलगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, चार्जिंग के दौरान मोबाइल ब्लास्ट हो गया है। हादसे में युवक की मौत हो गई है। बगीचा थाना के खंताडांड गांव की घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है। एक बार फिर से पथलगांव में यह हादसा हुआ है, चार्जिंग के दौरान मोबाइल ब्लास्ट हो गया। रमेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। रमेश, कोई लापरवाही की बात सामने आ रही है क्या? जी, मैं आपको बता दूं, ये युवक जैसे ही मोबाइल को प्लग में लगाया तो वहां पर इसका चार्जर ब्लास्ट हो गया। और इसके परिवारजनों का कहना था कि ये गीले हाथों से था और इसके हाथ गीले थे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये करंट की चपेट में आ गया और इसको ये इसकी तत्काल इस थोड़ी सी असावधानी के कारण इसकी मौत हो गई। बहरहाल बगीचा थाना पुलिस इस मामले में युवक का पोस्टमार्टम करा के मामले की जांच कर रही है। वहां बगीचा थाना प्रभारी अमित तिवारी ने बताया कि इस ये चूंकि एक युवक की एक लापरवाही का एक अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि ये इस मामले में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इस मामले की सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। जी रमेश, शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए आपका। और IBC 24 भी आप सभी से यह अपील करता है कि इलेक्ट्रिक सामानों में सावधानी बेहद जरूरी है, सावधानी जरूर बरतें।